उधर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की कल से शुरू हो रही मीटिंग के ठीक पहले पाकिस्तान ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि FATF की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने आखिरी समय पर लश्कर ए तैयबा के 4 टॉप आतंकियों को गिरफ्तार करने का दिखावा किया है। FATF की कार्रवाई का पाकिस्तान को खौफ, लश्कर के 4 टॉप आतंकी गिरफ्तार किए गए। 12 अक्टूबर से शुरू होगी FATF की बैठक। बैठक में पाकिस्तान पर किया जाएगा फैसला। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान खौफ में हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को FATF की ब्लैक लिस्ट में शुमार होने का डर सता रहा है। शनिवार से पेरिस में FATF की बैठक शुरू हो रही है। 15 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में पाकिस्तान की किस्मत पर फैसला किया जाना है। पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान को इस बैठक में ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। यही कारण है कि FATF की इस बैठक के ठीक पहले आतंकी सरगना हाफिज सईद के सहयोगी और लश्कर ए तैयबा के 4 टॉप आतंकियों को गिरफ्तार करने का दिखावा किया गया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में प्रोफेसर जफर इकबाल, याया अजीज, मोहम्मद अशरफ और अब्दुल सलाम शामिल हैं। इन आतंकियों को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग को लेकर पाकिस्तान पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में है। FATF ने क्लीन चिट देने के लिए पाकिस्तान को 40 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा था, जिसमें से कई बिंदुओं पर पाकिस्तान ने कुछ भी काम नहीं किया है। कुछ दिन पहले ही FATF से जुड़े एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए ठोस पहल नहीं की है। जो 40 मापदंड थे इनके, उसमें से एक ही मापदंड है जिसपे वो फुली कंप्लायंट है, और ऐसे कई मापदंड है जिसपे बहुत कम कार्यवाही हुई है। उसकी एशिया पैसिफिक ग्रुप ने क्लियरली कह दिया है कि पाकिस्तान कई मापदंडों पे खरा नहीं उतर रहा। हालांकि FATF की बैठक के लिए पाकिस्तान ने अपनी ओर से कॉम्प्लायंस रिपोर्ट तैयार कर ली है, और अब हाफिज सईद के सहयोगी 4 टॉप आतंकियों को गिरफ्तार कर टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन इस बैठक में आखिरी फैसला एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। ऐसे में भले ही इस बार पाकिस्तान FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने से कुछ दिनों के लिए बच जाए, लेकिन उसको क्लीन चिट मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।